गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं किस तरह से हिमाचली भंडारा बनाया जाता है। सो हिमाचली धाम और भंडारा में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है। भंडारा जो रहता है उसमें चार या पांच आइटम रहती हैं, और जो धाम होती है उसमें 15 से 20 आइटम तक भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन के किस एरिया में ये भंडारा या फिर धाम लगाई जा रही है। अभी जो है वो सुबह के लगभग 6:30 से 7 बज रहे हैं, और प्रिपरेशन की तैयारी हो रही है हमारी धाम की नहीं भंडारे की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भंडारे में आज क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो हमारा ये प्रिमाइसिस है जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, और यहीं पे ही खाना भी खिलाया जाता है भंडारे का लोगों को। जो भंडारा है वो लगभग 12:30 से स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 से लगभग 4 बजे तक रहता है। लोग आते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो ये हैं जूनियर शेफ़ जो कि हेल्प करते हैं सीनियर शेफ़ की, जैसे कि चावल वगैरह धोना या फिर पानी वगैरह इकट्ठा करना या दाले वाले, मतलब एक तरह से हेल्पिंग हैंड। और ये हैं हमारे सीनियर शेफ जो कि तैयारी कर रहे हैं, अभी मसाले वगैरह चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से मसाले हैं अभी और वो कितनी कितनी क्वांटिटी है उनकी, ताकि प्रिपरेशन जो वो ढंग से की जा सके। और यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो सगले हैं वो ऑलरेडी चढ़ा दिए गए हैं आग के ऊपर, आग जला के। तो जो पहला सगला है इसमें है चने की दाल जो कि उबलने ही वाली है। नेक्स्ट में जो है वो है माँ की दाल रखी हुई है इसके अंदर, और ये जो नेक्स्ट दो और हैं इनके अंदर जो है वो चावल उबाले जाएंगे। इनमें जो खाना बनता है वो काफ़ी हेल्दी रहता है, इसमें जो भी टॉक्सिक वगैरह निकलता है वाइट कलर का चाग या जिसको यूरिक एसिड या कुछ इस तरह का एसिड का नाम बताते हैं, आई डोंट नो कि क्या है, वो सारा का सारा जो है वो निकाल दिया जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये खाना जो है वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। चावल बनना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़े से चावल बन भी चुके हैं, और इसको हम खारा बोलते हैं जिसमें हम स्टोर करते हैं चावलों को। ये पूरा खारा जो है वो भर जाएगा चावलों से, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीठा बन चुका है। क्वांटिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि आज बारिश का मौसम है, तो आने वाले लोगों का जो गैस किया हुआ है वो भी थोड़ा सा कम ही लग रहा है, कम लोग आने वाले हैं आज। और चने की दाल जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी होने ही वाली है। और यहाँ की स्पेशल बात यह है कि इसमें जो भी चने की दाल या माँ की दाल बनाई जाती है उसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते, तड़का लगाया जाता है बहुत ही मामूली सा। देखिए, और ये चने की नहीं, ये मूंगी की दाल है इस बार। तो चने की दाल भी बन रही है अंकल जी इसमें, चने की दाल, और माँ बन गए इस बार, माँ नहीं बनेंगे तो इस बार जो है वो माँ नहीं बनेंगे, सॉरी। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे माँ की दाल है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि माँ की दाल बनती है हमेशा, तो माँ की बनेगी, बट इस बार मूंगी की दाल बन रही है जो कि और ज़्यादा हाइजेनिक रहती है। और ये देखिए, ये जो पानी है इसको फेंका जा रहा है बाहर, ये जो वाइट कलर का यूरिक एसिड या कुछ इसको बोलते हैं, जो कि निकाल दिया जाता है चावलों से भी और दालों से भी। इससे जो है वो घुटनों की प्रॉब्लम या फिर जो दूसरी डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियाँ जो होती हैं वो नहीं होती। खाना जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे में रेडी हो जाएगा, इस स्पीड से हमारे शेफ लगे हुए हैं। सो इस बार मुझे लग रहा है कि अंकल जी कितनी आइटम्स बन रही हैं, चावल बन रहे हैं, मीठा है, मूंगी की दाल और चने की दाल, खट्टा भी बनेगा, अच्छा खट्टा बनेगा। तो टोटल हमारी कितनी आइटम्स होगी, 5 आइटम होगी इस बार, 5 आइटम बनने वाली हैं। और खट्टे के लिए जो है खट्टा मानी बोलते हैं उसको, उसके लिए इस कड़ाहे का यूज़ किया जाएगा, इसी में बनेगा। और इसकी नेचुरल जगह यहाँ पे है, हमेशा ही इसी जगह पे इसको प्लेस किया जाता है, इस बर्तन को, और यहीं पे खट्टा बनाया जाता है। तो मीठा जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया जाएगा ताकि प्रॉपर ये जो है वो मिक्स हो जाए।
और ये हैं कुछ मसाले पिसे हुए ऑर्गेनिक मसाले जो यूज़ किए जाएंगे, और तेल की क्वांटिटी भी आप दे सकते हो। इसमें से सिर्फ दो ही बोतलें, दो भी नहीं लगेंगी मेरे हिसाब से, डेढ़ के आसपास ही बोतल लगेगी तड़का वगैरह लगाने के लिए। हाँ, खट्टा खट्टा बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बनती है, 35 से 40 किलो खट्टा बनता है, तो उसमें एक बोतल ऑयल की लग जाएगी आराम से। ऐसे जो चावलों से पानी निकाला जाता है, चावल पक चुके हैं और इनका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी, उसको इस तरह से निकाल दिया जाता है बाहर, तो थोड़ी देर में ये पानी निकल जाएगा और चावल जो है वो ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद जो है इनको खारे में डाल दिया जाएगा। चलो ठीक है, जब भी हम लोग खट्टा मानी बनाते हैं तो इसमें अमचूर या फिर आम जरूर डालते हैं, तो ये कच्चा आम है जिसको काटा जा रहा है और इसको अब जो है वो डाला जाएगा माणी में। तो दिखाते हैं आपको, माणी भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है उसकी, और तड़का वगैरह लग ही गया है उसको, बाकी देखते हैं। माड़ी मुड़ी तरह ही है, वो क्या चल रहा है? और खाना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 100 से 150 लोग खाना खा चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मटीरियल, तो कुछ लोग यहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो फाइनली भंडारे का जो प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारे जो शेफ़ हैं वो भी घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और घर जाते हुए उनके लिए हम स्पेशल भात देते हैं। तो दोनों जो पन्नियाँ हैं भात से भर चुकी हैं, और साफ सफाई का काम भी चल रहा है, फाइनल फिनिश। यहाँ पे जो सामान है वो अंदर रखा जा रहा है। अच्छा, 40 सालों से यहीं पे खाना बना रहे हैं। 40 सालों से, नाइस। और सामान जो है वो सारा कलेक्ट करके अब अंदर रख दिया जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो चर है वो भी बुझा दी गई है। सो अब सेम भंडारा जो है वो नेक्स्ट मंथ भी होगा, संक्रांति वाले दिन, और इस तरह से लोग आएंगे और खाना खाएंगे और कुछ प्रसाद घर भी लेके जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो।